Hello everyone, today we will learn how to find square root without any calculation. Basic calculation से फटाफट answer आ सकता है. कुछ examples ले लेते हैं, जैसे 62 और 41, 6241. आप 4 digit और 3 digit का square root निकालेंगे, okay? अभी square root का rule क्या है? दो-दो की pair बना लो, okay? 4 digit में दो-दो की pair बना लो. अभी 62 किसके अंदर आएगा? अब ये numbers observe करो, 62 किसके अंदर आ सकता है? So 62 आएगा 49, 7 से 49, 8 बड़ा हो गया, right? तो 62 किससे है? 7 से. अब last में 1 आ रहा है. Last में 1 किसके square, किसको square करने से 1 आता है last में? 1 से आ सकता है या फिर 9 से आ सकता है. तो हमारे पास दो option है sir, 1 आने के लिए 1 हो सकता है या फिर 9. Simple. अभी next चीज है, ये number कैसे मालूम पड़े sir, 1 है कि 9, कैसे मालूम पड़ेगा? तो simple है. क्या ध्यान रखना होगा, जो भी ये नंबर है उसको उसके बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है? 56. अब 56 60 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है. अगर छोटा है तो बड़ा नंबर सिलेक्ट करोगे तो 9 सिलेक्ट होगा, तो 79. ओके, एक और एग्जांपल करते हैं इसका. लेट्स से 4096. 4096 क्या करना है? दो-दो की पेयर. अब 40 किसके अंदर आएगा? ये स्क्वायर्स में देखो, 40 आएगा सर 6 के अंदर, तो ये आएगा 6. अब 96 सर, 96 आने के लिए दो ऑप्शन है सर. 6 से 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है या फिर 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 का स्क्वायर हो सकता है, जिससे आंसर 6 आता है लास्ट में. अब रूल क्या था, ये लास्ट वाले नंबर को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 42. अब 42 क्या है, इससे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो बड़ा है तो छोटा वाला सेलेक्ट होगा, 64. आई होप ये ट्रिक डेफिनेटली काम आएगी, जिसमें फटाफट स्क्वायर्स निकाल सकते हो. अब वैसे ही सिमिलर लॉजिक, जो अगर 3 डिजिट नंबर है, अगर 3 डिजिट नंबर लेते हैं 676, 3 डिजिट नंबर्स है, उसमें कैसे सॉल्व करोगे? तो 3 डिजिट नंबर्स में लेट से पहले पेयर बना लो, हमेशा पेयरिंग पीछे से ही बनेगी दो-दो की. अब रूल क्या था, 6 किसके अंदर आएगा पहले सर? 6 आएगा 2 का स्क्वायर, तो 2. रूल क्या था सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए सर, 6 आने के लिए सर 6 हो सकता है या फिर 4. 4 का स्क्वायर से 16 आ सकता है, लास्ट में 6 आ सकता है, या फिर 6 का स्क्वायर से 6 आ सकता है. अब रूल क्या है, ये नंबर को एक नंबर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया? 6. ओके, अगर इक्वल आए तो एक चीज याद रखना, अगर इक्वल आए, ये हमेशा 3 डिजिट नंबर में ऐसा होगा, अगर इक्वल आएगा तो बड़ा वाला ही सिलेक्ट करना होगा, 26. ओके, क्लियर? तो और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे 576. अब 576 के लिए क्या होगा? वही रूल, दो-दो की पेयर. 5 किसके अंदर आ जाएगा सर? 5 आएगा 2 का स्क्वायर से ही आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर बड़ा होगा, 2. 76, अब 6 आने के लिए क्या ऑप्शन है सर? 4 या फिर 6. तो क्या रूल था, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक बड़े नंबर से तो कितना आ रहा है? 6. अब 6 इससे बड़ा है, अगर बड़ा है तो छोटा नंबर लेना है, 4. ऑलराइट, तो इससे आई होप सारे नंबर्स 1 से लेके 999 4 डिजिट नंबर्स फटाफट आप इससे स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो. थैंक यू.